हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट, यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यू वर्सेस देम पे रीडिंग किया करें मैम, कि आपके पर्सन और आपकी एक दूसरे के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, यू वर्सेस योर पर्सन। सो आज मैं रीडिंग करूँगी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जिन लोगों के दरमियान इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर आप लोगों का ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, तो आपने उस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखना है। अपने पार्टनर्स के नेम को 3 टाइम रिपीट करिए, उनकी एनर्जीज को अपने साथ अलाइन करिए, एंड वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी साइड की फीलिंग्स चेक करूंगी कि आप अपने पर्सन को लेकर इस टाइम क्या करंटली फील कर रहे हो, या आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं अपने पर्सन को लेकर जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपकी साइड अगर आपसे रिलेट कर रही होगी तो डेफिनेटली आगे आपके पर्सन की फीलिंग्स भी आपके लिए ही होंगी जो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, सो लेट्स सी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि आप करंटली इस टाइम कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए जिसके साथ इस टाइम आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो आपकी अपने पर्सन को लेकर क्या करंट फीलिंग्स एंड क्या करंट एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं उनके पर्सन के लिए। फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ सोर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड राइट नाउ। तो गाइज आप जो हो ना इस पर्सन के लिए फील कर रहे हो जैसे कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट करके इस पर्सन ने आपको एक ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही आप इस पर्सन को लेकर वेट करो या ना करो। आप टोटली, आपकी एनर्जी इस टाइम मुझे डिवाइडेड दिख रही है, लाइक यू गाइज हैव नो एनी क्लू एंड नो एनी आइडिया, आपको कोई क्लोजर नहीं दिख रहा इस पर्सन की साइड से कि ये इंसान जैसे हमेशा आपको चीट करके जाता रहा है, कभी आता रहता है, कभी जाता रहता है। ठीक है, इस पर्सन का ऐसा सिचुएशन चलती है, लाइक कभी तो ये पर्सन आपके साथ खुद ही आ जाता है कॉन्टैक्ट करने के लिए, खुद ही सब कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए आ जाता है, एंड जब दिल चाहता है ये पर्सन आप लोगों से बिना कुछ क्लैरिटी दिए, बिना कुछ बताए, या तो आपको गोस्ट कर जाते हैं या फिर किसी तरह से आप लोगों से नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो, आप लोग जब इस पर्सन से किसी कमिटमेंट की बात करते हो, जब इस पर्सन से बात करते हो कि आपको चूज़ करे, आपसे अपनी फैमिली के बारे फैमिली से बात करे, आपके घर रिश्ता लेकर आए, या किसी तरह से आपके साथ यू नो आगे कोई कमिटमेंट दे, तो ये मुझे लगता है ये पर्सन बिल्कुल गायब हो जाता है और आपको एक ऐसे सिचुएशन में ला खड़ा कर देता है जहाँ पे आप बिल्कुल टोटली आप लाइक आपके दिल और दिमाग की जंग चलना स्टार्ट हो जाती है कि आप करो तो करो क्या इस पर्सन पे, लाइक आप ट्रस्ट करो ना करो। इस टाइम आपकी ये सिचुएशन चल रही है इस पर्सन को लेकर, आप टोटली इस टाइम 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, आप टोटली ब्लाइंड फोल्ड हो कि इस पर्सन ने पता नहीं आपको कभी कमिटमेंट देनी है नहीं देनी, इस पर्सन की साइड से कोई आपको क्लोजर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चल रही हैं इस टाइम इस पर्सन से रिगार्डिंग, बिकॉज आप लोग इस टाइम टोटली लाइक बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ के बारे में भी एक होता है ना लाइक क्लियर किसी चीज़ का आइडिया होना, स्पेशली इस पर्सन से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी नहीं पता। यस, बिकॉज ये पर्सन एक ऐसा है जिसकी तरफ से शायद आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन एक चीटर है, एक धोखेबाज है, एक झूठ बोलने वाला नार्सिसिस्टिक पर्सन है, और बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो है लाइक सस्पिशियस सी बिहेवियर करता है आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है कि ये इंसान की नेचर है पॉलिटिक्स खेलना या फिर किसी तरह से चीट कर जाना, मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों को यही पता है कि ये पर्सन डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये पर्सन करना क्या चाहता है आपके साथ, बिकॉज मुझे लगता है जैसे कि आप बोलने की आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो ये साथ ही ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में आ जाता है या फिर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक एक तरह से कंफ्यूज कर रही हैं, लाइक यू गाइज आर टोटली इनडिसाइसिव कि आप करो तो करो क्या, इस पर्सन से आगे बढ़ जाओ या क्या करो, क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ने का डिसाइड करते हो तो ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से री एंटर हो जाता है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, स्टिल कहीं ना कहीं आप विश करते हो कि ये इंसान आए आप लोगों के पास, बिकॉज मुझे लगता है गाइज आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एक तरह से लाइक बहुत ही लाइक प्योर एनर्जी, वो ये पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये इंसान है एक नेगेटिव, एक नार्सिसिस्टिक है, एक टॉक्सिक पर्सन है, और आप जैसा पर्सन मुझे लगता है ये इंसान डील नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई आप विश करते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपसे भागे बिल्कुल बिना आपको फेस करे, या फिर किसी तरह से जो भी इस कनेक्शन में आपको क्लोजर दे किसी तरह का, आप इस टाइम विश कर रहे हो इस पर्सन को लेकर, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी विशफुल थिंकिंग है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको कमिटमेंट दे ताकि आपकी लाइफ में जो है वो सुकून आए, लेकिन आपको दिख नहीं रहा इस टाइम
ये इंसान को ही आपको ऐसा क्लोजर देगा, जबकि आपको लगता है कि इस इंसान की आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा आपकी सोल को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन आप चाहते हो विश पूरा करना, लेकिन आपको इस पर्सन की साइड से एट द सेम टाइम दिखती भी नहीं है कि ये चीज़ें कुछ हो पाएंगी। सो दैट्स वाई इस टाइम टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, लाइक आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए, यू गाइस हैव नो आइडिया आप क्या करो क्या ना करो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली दिख रही है। वी हैव फाइव ऑफ स्टाफ, डेफिनेटली देर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, या तो आप लोगों के इस पर्सन से बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं, या फिर किसी तरह से आपके इस कनेक्शन में आपके और इस पर्सन के दरमियान डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ से आप लोगों को लगता नहीं है कि आपकी ये जो विश है वो पूरी हो पाएगी। सो यू गाइज आर टोटली इन अ लाइक अ वेरी, बहुत ज़्यादा ना जैसे दिख रहा है आपकी एक मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है मुझे दिख रही है यहाँ पे, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर्सन के साथ लॉयल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके कनेक्शन में कुछ लोगों की इंटरफेरेंस भी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से शायद ये इंसान आपको चीट कर जाता है, या फिर इस इंसान को कोई ना कोई ऐसे लोग बोल रहे हैं कुछ जहाँ से ये पर्सन आपको कोई ना कोई आपकी विश नहीं पूरी हो पा रही इस पर्सन के साथ से, बट आपके कोई ना कोई आपस में झगड़े वगैरह भी रहते हैं जहाँ से आपको लगता है कि आपकी ये विश पूरी नहीं हो पाएगी। जबकि सी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास फोर ऑफ स्टाफ, यू गाइस रियली वांट टू मैरी, आप चाहते हो इस पर्सन की तरफ से आपको मैरिज की या फिर इंगेजमेंट की कमिटमेंट मिले, आपको स्टेबिलिटी दे, आपका रीयूनियन हो जाए, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में, एक हैप्पी वे में सेलिब्रेट कर पाओ, आपकी विश है इस पर्सन से शादी करना, बिकॉज कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बट आपकी नज़र में ये पर्सन एक टॉक्सिक है, और वैसे भी मुझे लग रहा है ये पर्सन विद अ सेवन ऑफ सोर्ड, आई थिंक आप जानते हो काफ़ी हद तक ये पर्सन डिसऑनेस्ट है या फिर ये पर्सन चीटर है, आप जानते हो, यस, बिकॉज ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रनर की सिचुएशन दिख रही है कि लाइक भाग जाना, गोस्ट, कुछ लोगों को हो सकता है इस पर्सन ने गोस्ट किया, बिकॉज कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आपके इस कनेक्शन में, अब वो इस पर्सन की साइड से मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चल रही है आप लोगों को लेकर, बट विद द फोर ऑफ स्टाफ यू गाइस रियली वांट अ रिकॉन्सिलिएशन, आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी आए आपके साथ इस पर्सन की लाइफ बेटर हो आपकी, लेकिन आपकी विश कैसे पूरी होगी आपको कोई नहीं पता, क्योंकि ये जब भी आपको लगता है आपकी विश पूरी होने वाली है, साथ ही ये पर्सन गायब हो जाता है, साथ ही ये गोस्ट कर जाता है, या फिर किसी तरह से आप लोगों से कनेक्शन से भाग जाता है, बिना कोई क्लोजर दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अ लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस मुझे आपकी साइड से दिख रहा है सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नंबर 4, 2, 7, 5, 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, अदरवाइज़ आपकी या फिर इस पर्सन की एज 24, 25, 29 या 27 हो सकती है, यस 4, 5, 9, 7, 2 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका या फिर इनका, यस, जबकि आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो इस पर्सन के साथ। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर करंटली कैसा इस टाइम फील कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं आप लोगों के पर्सन की जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, वो करंटली इस टाइम आपके लिए कैसा फील कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव वली, नंबर 7, इट्स अ चैरियट एनर्जी, देन वी हैव शाह ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली दिस पर्सन इज अ वेरी लॉजिकल, देन वी हैव दुनिया, एंड देन वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, नंबर 10, नंबर 21, 3, 7 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर्सन की एज 37 या फिर 31 भी हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आई थिंक आप लोग 20 प्लस और ये पर्सन 30 प्लस हो सकता है, बट एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान, बट राइट नाउ 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी या फिर आपकी, अदरवाइज नंबर 3 मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 3, 1, 10, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपका ये जो पर्सन है ना, या तो ये ऑलरेडी विद अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद अ शाह ऑफ स्वॉर्ड, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यस, अदरवाइज अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था तो मुझे लगता है इस टाइम कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, बट ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में सोच रहा है आप लोगों के बारे में हैं, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, डेफिनेटली ये पर्सन सीरियस मुझे दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन की तरफ से मुझे ऐसे लग रहा है, इस पर्सन को सबसे पहले ऐसे लगता है कि इसकी अपनी लाइफ जो सिंगल है वो ज़्यादा बेटर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या
जाते हैं, ये पर्सन शादी करना चाहता है, इस पर्सन की फैमिली भी इसको बोल रही है कि इसको शादी कर लेनी चाहिए, इसको अपने बारे में सोचना चाहिए, ताकि इस पर्सन का आगे फ्यूचर जो है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इस पर्सन की अपनी फैमिली बने और अपना इसका फ्यूचर सिक्योर हो। बट आई थिंक ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे सोलो ज़्यादा हैप्पी मुझे दिख रहा है विद द दुनिया एंड विद द वली। इस टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ को खुद ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं विद द वली एंड विद द दुनिया। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से ये पर्सन ट्रैवलर हो सकता है। इस पर्सन को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, या इनको खुद ही लाइक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक है कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का, हर टाइम न्यू न्यू जगह या फिर न्यू न्यू कोई सिटीज़ कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने का, जहाँ से इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी सोलो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। शादी करके ज़रूर इन्होंने टेंशन पालनी है कोई, बिकॉज ये पर्सन फील कर रहा है ना। या जब भी ये पर्सन अपनी आपके साथ ऑब्वियसली फैमिली बनाने का सोचता है या फिर अपनी फैमिली से आपके बारे में शादी की बात करने का सोचते हैं, तो इनको लगता है ये पर्सन अकेले तो ज़्यादा खुश है, और इनको लगता है आप भी सोलो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में। दैट्स वाई, सॉरी गाइस कॉल आ गई थी। एनी हाउ बैक टू द टॉपिक, आई थिंक गाइस इस पर्सन को लगता है आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में जो है ना सिंगल ज़्यादा खुश हो, और आप लोगों के दोनों के अपनी लाइफ के पहले गोल हैं जिन्हें आप दोनों अचीव करना चाहते हो। इस पर्सन को लगता है आप भी काफ़ी ज़्यादा लाइक अपनी लाइफ में कुछ गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहते हो, और ये पर्सन के लाइफ में भी कुछ ना कुछ गोल हैं जिसको ये अचीव करना चाहता है, चाहे वो अब इनकी सोलो किसी लाइक अपनी लाइफ को इन्जॉय करने के बारे में है, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहता है कि पहले सेटल हो जाए, अपने करियर को सेटल कर ले या फिर फाइनेंसिस को ज़्यादा बेटर कर ले। जबकि मुझे लग रहा है आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग चांसेस, बट ये पर्सन अभी अपने लाइफ को सोलो गाइस देखो इन्जॉय करना चाहता है। इनको लगता है आप भी इन्जॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ दोनों की कंप्लीट है सोलो भी, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन कोई सोचेगा। आने वाले 7 मंथ्स में हो सकता है ये पर्सन कुछ इस बारे में सोच सकते हैं आपके साथ आगे फर्दर कोई शादी के बारे में प्लान करने का, या फिर ये पर्सन किसी तरह से कोई आपके साथ फैमिली बनाने का सोच सकता है, या फिर ये पर्सन अपनी फैमिली से बात कर सकता है आप लोगों के रिगार्डिंग नेक्स्ट 7 मंथ्स में, या फिर 3 मंथ्स में कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है। बट अभी करंट फ्रेम में मुझे इस पर्सन की साइड से कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है, और ना ही अभी इनको लगता है आप दोनों अपनी लाइफ में ना सोलो सोलो ही खुश हो, तो बस अभी जिस तरह चल रहा है चलने देना चाहिए, ताकि अपनी अपनी ज़िंदगी को आराम सुकून से चिल करो, इन्जॉय करो, उसके बाद फिर देखेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैगिटेरियस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। वी हैव एस ऑफ स्टाफ, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ गाइस। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अट्रैक्शन नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं, आइडिया सोचते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से ज़्यादा बेटर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को किस तरह से ये पर्सन इन्जॉय कर सकता है, किस तरह से ज़्यादा एडवेंचर लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में, ये पर्सन उस बारे में सोचते हैं। लेकिन इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे को लेकर पैशनेट तो हो ही हो, लेकिन साथ साथ आपकी अपनी लाइफ को लेकर, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आप दोनों के काफ़ी ज़्यादा कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, कोई ना कोई न्यू चीज़ों को क्रिएट करने का आपको पैशन है। जहाँ सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने पैशन को फॉलो करो, या फिर जो भी अपनी लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो वो करो, ये इस पर्सन की साइड से मुझे दिख रहा है। तो मुझे लगता है पहले ये पर्सन प्रेफर यही कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल हैं आप उनको अचीव कर लो, इनके जो गोल हैं ये उनको अचीव कर लें, और उसके बाद जाके ये पर्सन कोई ना कोई आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में जो है वो प्लान करेंगे। 3 to 7 मंथ्स में मैंने बता दिया ये पर्सन प्लान कर सकता है, अभी मुझे करंट टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी इस पर्सन की साइड से ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। बट ये पैशनेट हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, इनको अट्रैक्शन भी आपकी तरफ है, बट ये पर्सन ना आपको शो नहीं करवाते, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज यहाँ तो डिफरेंट है, या फिर ये पर्सन का कंट्रोल इतना ज़्यादा है अपनी फीलिंग्स पे कि इनको ना पता है कि मैंने अपने इमोशंस किस तरह से दबाने हैं, व्हाटएवर मेल और फीमेल जो भी इनका जेंडर है। एरिस, लियो, सैगिटेरियस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर 11 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देख लेते हैं आप दोनों की क्या करंट जो एनर्जीज हैं और फीलिंग्स हैं, आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चाहते हो, कंबाइनली आपकी क्या एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी, ओके, वी हैव 6 of Staff एंड वी हैव मलिका ऑफ स्वॉर्ड। सी गाइस, वेट, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक 20+ में है और एक 30+ में है एज मुझे दिख रही है आप दोनों की। बट कुछ लोग हो सकते हैं आपके दरमियान ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आप दोनों जो हो ना गाइस इस कनेक्शन में चाहते हो कि आपको विक्ट्री मिले, आपको सक्सेस मिले, यू गाइस डेफिनेटली वांट टू अचीव यू नो ईच अदर। बट मुझे लगता है यहाँ पे विद द मलिका ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, आप दोनों को पहले इस बारे में कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है नीडेड है, बैडली नीडेड नीड यहाँ पे मुझे दिख रही है आप दोनों को आपस में बात करने की, कि आप दोनों का लाइफ गोल क्या है या क्या पर्पस है, कितना सक्सेस आप पहले अपनी लाइफ में चाहते हो, एंड देन मुझे लगता है यहाँ पे प्रपोजल मिलने के चांसेस हैं।
बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को प्रपोजल देना चाहते हो, बट उससे पहले आप दोनों को लगता है, आपको और आपके इस पर्सन को, कि आपको दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बात करनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड हो, लेकिन आपस में जो एक दूसरे से चाहते हो उस बारे में बात नहीं की जा रही यहाँ पे। तो सबसे पहले आप दोनों को अपनी जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करनी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। यस, तो विद इन 6 मंथ्स, 3, 7 या 6 मंथ्स से मुझे लग रहा है कोई ना कोई क्लोजर मिलने के चांसेस हैं आप लोगों को। उससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उसके, उससे हो सकता है कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, बट मुझे जो टाइमिंग दिख रही है मैंने वो आपको बता दी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।